इस वक्त हम खड़े हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के हॉर्टिकल्चर सेक्शन में, और चूंकि RRL इसका पुराना नाम था, और हमारे लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एनुअल फ्लावर शो होता था, और एनुअल फ्लावर शो में ये सारी जो गार्डन वेराइटीज़ हैं उसको एग्जिबिट किया जाता था, कट फ्लावर्स हों या पॉटेड प्लांट्स हों। तो उसी की ग्रुप में ये एक प्लांट मेरे हाथ में है जो आप देख रहे हैं कि नीचे इन्होंने ग्रो कर रखा है। ये एक हमारी नॉट वीड फैमिली का प्लांट है और इसको रोमैक्स कहते हैं। अगर यह रोमैक्स एक साइंटिफिक नाम है, और बेसिकली रोमैक्स की जो जंगली बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो हमारे जम्मू के पहाड़ी इलाके में गुजर बकरवाल और डोगरा कम्युनिटीज उसको साग सब्जी के तौर पे भी खाते हैं, जिसमें से एक जंगली पालक है जिसको टंडालक डोगरी में कहा जाता है, और उसके पत्तों के जो है पकौड़े बनाए जा सकते हैं, और उसके पत्तों का जो चीज़ रोल भी हमने डेवलप किया था एक अवेयरनेस इवेंट में, और उसी का ये गार्डन और हॉर्टिकल्चर दूसरी स्पीशीज़ है रोमैक्स की। तो इसके आप फूल देख रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखता है एक द्रेव होता है जिसको कोटू भी बोलते हैं, तो द्रेव या कोटू जिसको हमने जब व्रत होते हैं तभी हम यूज़ करते हैं, उसके सीड का आटा काला सा होता है वो, लेकिन वो फास्टिंग में बड़ा यूज़ होता है और मार्केट में बिकता भी है। तो वो उसी फैमिली का ये प्लांट है रोमैक्स भी। रोमैक्स और फैगोपायरम जो हैं दो जातियाँ हैं हमारे चुकरा परिवार की, पालीगुनेसी भी उसको कहते हैं या नॉट वीड फैमिली, और उसी में हमारी एक माचरन चाय जो है कश्मीर वालों की, और गुजर बकरवाल लोग जो मसलून कहते हैं बिस्टाटा एम्प्लेक्सी कॉलिस, वो भी इसी प्लांट का फैमिली का जो प्लांट है। तो ऐसे प्लांट जो हमारे गार्डन प्लांट्स होते हैं ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन होते हैं उनको, चाहे इनका पत्ते का साइज बड़ा होगा, फ्लावर का साइज बड़ा होगा, और ये ब्यूटी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे इनके जंगल के रिलेटिव हैं दे नीड कंजर्वेशन, सो दैट जो भी हमने गार्डन फ्लावर्स उनमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, लार्ज साइज की करनी है, पेस्ट रेजिस्टेंस की करनी है, या और कोई ड्राउट रेजिस्टेंस की करनी है, तो उसमें हमारा जो जर्म प्लाज्म जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है ये अपने हिसाब से जीन टेक्नोलॉजी के बेस पे जो नई टेक्निक्स हैं उसके हिसाब से वो जीन इंपोर्ट करके जीन से खेलते हैं, और उसके खेलने से एक हाई इम्प्रूव हॉर्टिकल्चर फसलें जो हैं वो तैयार होती हैं। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जिसको RRL भी पहले कहा जाता था, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, तो इसके जो फाउंडर डायरेक्टर थे वो हमारे जम्मू के ही थे, कर्नल RN चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा जी, और उन्होंने बहुत अच्छी जो पहली किताब दी थी मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ इंडिया, और उसके चलते ही हमारे कश्मीर में ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी भी होती थी, और उसके चलते हुए आज फार्म भी हैं, एक तो टंगमर्ग में है यारिका ड्रग फार्म, और दूसरा जो है हमारे पुलवामा एरिया में है वहाँ पे भी ड्रग रिसर्च फार्म है, और ऐसे ही कुछ डक्सम के इलाके में भी हमारे फार्म्स हैं जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स को लगाया जाता है। चूंकि हमारे स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बन चुका है जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अंदर आता है, तो उसमें भी ये एक नया फोकस जो दे दिया गया है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं या जो जिसके कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी सप्लीमेंट कर सकते हैं इनकम जो हमारी डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं खास करके फार्मर्स, उनको ऐसी क्रॉप्स भी शामिल करनी चाहिए, चाहे वो एरोमेटिक क्रॉप्स हों चाहे वो फ्लावर क्रॉप्स हों, ताकि वो सीजनली उनसे भी थोड़ा बहुत पैसा जो है अर्जित कर सकते हैं, एक तो अपनी इकॉनमी वो बढ़ाएंगे, और दूसरा जो नेचर फ्लोरा है वाइल्ड फ्लोरा जो है उसको भी कंजर्वेशन करने में उनका योगदान होगा। यही मेरा अपील है, कल जो हमारा इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट ग्लोबल लेवल पे मनाया जाए।